अब सारी मशीनें एक ही जगह पर। अगर आप बिजनेस की तलाश में हैं, तो आप सोडा शॉप की मशीन परचेज कर सकते हैं, गन्ने की जूस की मशीन, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, बॉटलिंग प्लांट, आप सोडा बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस तरह की अलग अलग मशीन परचेज करने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कीजिए We Are Soda Machine। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों कहते हैं ना कि जो मासूम बच्चा दिल से कोई बात निकालता है उसकी बात जो है वो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचती है और उसकी दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है। आज एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा छोटे से अदनान की, जिसने रमज़ान के महीने में दिल से एक आवाज़ निकाली और उसकी आवाज़ को अल्लाह ने ऐसा कबूल किया कि रातों रात उसकी ज़िंदगी बदल गई। ये वीडियो आखिर तक देखना और सोशल मीडिया की पावर क्या है, साथ ही साथ हमारे देश के लोगों का दिल कितना बड़ा है, इस कहानी के सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने एक नाम सुना था, बाबा का ढाबा। एक फूड ब्लॉगर थे जिन्होंने उनकी वीडियो बनाई, क्योंकि बाबा का ढाबा ऐसा था कि जहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आते थे। पूरा दिन बाबा अपनी पत्नी के साथ ढाबे पर बैठते थे, लेकिन मुश्किल से दो चार ग्राहक ही आते थे। लेकिन एक फूड ब्लॉगर ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, वो वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने बाबा के आंसू देखे और उसके बाद बाबा रातों रात स्टार बन गए। बाबा के ढाबे पर पैर रखने तक की जगह नहीं रही, बड़े बड़े स्टार वहां पर जाकर खाना खा रहे थे, मीडिया हाउस पहुंचकर बाबा का इंटरव्यू ले रहे थे। लेकिन बाद में मामला कुछ और हुआ, बाबा ने बहुत सारे आरोप उसी ब्लॉगर के ऊपर लगाए, वो सारी बातें आप लोगों को मालूम है। एक और नया मामला सामने आया है जहां पर सोशल मीडिया के जरिए एक छोटे से अदनान की बात लोगों तक पहुंची और जिस अदनान के पापा का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, अचानक से रातों रात इतना तेज बिजनेस चल पड़ा कि वहां पर भीड़ लग गई और हैदराबाद का नंबर 1 फूड पॉइंट बन गया। ये कहानी हैदराबाद के एक छोटे से बच्चे अदनान की है। अदनान के पापा हलीम का ठेला लगाते हैं। कोरोना से पहले अदनान के पापा कुछ और बिजनेस करते थे। उनका कहना है कि जब कोरोना आया तो जो काम मैं 15 साल से कर रहा था वो मेरा काम बंद हो गया। उसके बाद मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई भी छुड़वा दी, क्योंकि मेरे पास इतना कोई जरिया नहीं था पैसे कमाने का जो मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाता। फिर उन्होंने हलीम का ठेला लगाया, लेकिन हलीम का ठेला उनका ज़्यादा नहीं चल पा रहा था। रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में भी लोग बहुत कम उनके पास पहुँच रहे थे। उन्होंने कहा कि मुश्किल से मैं 25-30 प्लेट ही पूरा दिन में बेच पाता हूँ। ये बात एक हफ्ता पहले की है, रमज़ान के महीने की। अदनान के पापा ने कहा कि इफ्तारी का टाइम हुआ, लेकिन इफ्तारी का टाइम गुजर भी गया उसके बावजूद भी हमारे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। मुश्किल से इक्का दुक्का कोई ग्राहक आ जाते थे जिनको हम अपना हलीम बेच देते थे। मेरा बेटा छोटा सा अदनान भी वहाँ पर बैठा हुआ था, ये सब कुछ देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसके दिमाग में अचानक से एक बात आई, उसने अपना मोबाइल निकाला और एक व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। एक छोटा सा वीडियो व्लॉग के अंदाज में उसने बनाया, अपने पापा को दिखाया, अपने पापा के ठेले को दिखाया, उस पर जो कुछ भी रखा था वो सब कुछ दिखाया। देखिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद अदनान का ये वीडियो ऐसा वायरल हुआ, कि आज अदनान छा गया है चारों तरफ। देखिए वीडियो क्या बनाया था अदनान ने। तो अदनान ने ये वीडियो बनाया, इस वीडियो को अपने पहले फेसबुक पर डाला, उसके बाद इंस्टाग्राम पर डाला और देखते ही देखते ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया, कि अब अदनान के पापा का जो हलीम है वो हैदराबाद का नंबर 1 फूड पॉइंट बन चुका है। आज पापा के हलीम के इंस्टॉल का आलम यह है कि जहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही आते थे, आज वहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ है। बड़े बड़े फूड ब्लॉगर वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने डब्बे पैक कराकर घरों पर ले जा रहे हैं। पापा का हलीम बहुत ज़्यादा बिक रहा है। आज अदनान भी खुश है और उसके पापा भी खुश हैं। अदनान के पापा का कहना है कि पता नहीं अल्लाह ने मेरे बच्चे के दिमाग में ऐसी क्या बात डाली, इसने वीडियो बनाकर डाल दी और अल्लाह ने हमारी सुन ली और आज हमारा जो हलीम है बहुत ज़्यादा बिक रहा है। बहुत ज़्यादा हलीम टेस्टी है उनका, लेकिन ग्राहक कम आते थे। आज उनका कहना है कि हम तकरीबन 200 से 250 प्लेट बेच देते हैं और बहुत सारे लोग हलीम को पैक कराकर भी अपने घरों पर ले जाते हैं। तो एक मासूम बच्चे के दिल से निकली हुई आवाज़ हैदराबाद के लोगों के कानों तक पहुंची और लोगों ने उस बच्चे की आगे आकर मदद की। आज अदनान भी बहुत ज़्यादा खुश है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अदनान का इंटरव्यू ले रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि अदनान के साथ एक वीडियो बना ली जाए। तो ये होता है रातों रात सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल होना और दिल से निकली हुई जो दुआ होती है ना, बच्चे की दुआ खासकर, उसको बहुत जल्दी अल्लाह कबूल करता है। तो अगर आप भी हैदराबाद के अंदर हैं, एक बार पापा की हलीम खाने ज़रूर जाएँ। एड्रेस मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। पापा की हलीम है, देखिए ये हमारे पापा बैठे हुए चिकन की हलीम है, देखिए
ये मोदी नगर चौरस्ता है ये। हैदराबाद की इसी जगह पर अदनान के पापा अपना ठेला लगाते हैं, आप लोग एक बार हलीम जाकर जरूर खाएं। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी अदनान की इस वीडियो को वायरल किया, जिससे एक बात का तो पता चल गया कि हमारे लोगों का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। सोशल मीडिया के जरिए रातों रात इंसान की ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, इसका एक नमूना आपके सामने है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अदनान की ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर ली। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।